छोटे भाई का पप्पू खानदान साला। अब ये एड तो आई एम श्योर आप सबने एक बार नहीं बल्कि अभी तक कई बार देख लिया होगा। रणवीर सिंह जॉनी सिंह का क्रॉसओवर जो आज तक कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, वो यहाँ पर हुआ है। ये एड बात करती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की और जब से ये एड रिलीज हुई है ना, बस तब से इसी पर बातें हो रही हैं हर जगह। कई टीवी एक्टर्स ने रिसेंटली इसे क्रिटिसाइज भी किया है, लेकिन मोस्टली लोगों ने इसका ह्यूमर समझा भी है और इसे कहीं ना कहीं प्रेज भी किया है। खैर, जब से ये एड रिलीज हुआ है तब से रणवीर सिंह, जॉनी सिंह और भावना चौहान को लेकर बहुत बातें होने लग गई है। तो चलिए आज आपको बताती हूँ इस एड में फीचर हुई एक्ट्रेस भावना चौहान के बारे में कि आखिर वो कौन है और कैसे इस एड के बाद वो हर जगह छाई हुई है। तो इस एड वीडियो में रणवीर सिंह ने भावना चौहान आका किशु के देवर का कैरेक्टर प्ले किया है, वहीं जॉनी सिंह ने उनके पति का कैरेक्टर प्ले किया है जिसे वो मेल प्रॉब्लम होती है। इस शूट से भावना ने कई सारी फोटोज और वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऑलरेडी शेयर भी की है, जिन्हें देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश भी हुए हैं। वैसे एक्ट्रेस भावना चौहान इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है हमेशा से, अक्सर कई फोटोज और वीडियोज भी शेयर करती रहती है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। भावना चौहान ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री दोनों में काम किया है। भावना ओरिजिनली शिमला से है जो सालों पहले मॉडलिंग करने मुंबई आई थी। 2008 में उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया था और उसके बाद से उन्होंने एक्टिंग भी शुरू कर दी थी। भावना ने सलमान खान की फिल्म जय हो में भी काम किया था, छोटा सा रोल था बट किया था। वो सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म हसी तो फसी में भी एक बार नजर आ चुकी है। इसके अलावा वो टीवी में एक्टिवली काम करती रहती है। वो रजिया सुल्तान, ये है आशिकी और शौर्य जैसे कई सीरियल्स में दिखाई दे चुकी है। इतना ही नहीं, टीवी कमर्शियल्स के वर्ल्ड में भी भावना ने काफी ज्यादा काम किया है। कभी शाहरुख खान के साथ तो कभी बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ एड में वो नजर आ चुकी है, शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। इतना काम करने के बावजूद भावना को असल नोटिस तब किया जाने लगा जब उनकी रणवीर सिंह और जॉनी सिंह के साथ ये वाली एड रिलीज हुई। वैसे इस एड के बारे में बात करते हुए भावना चौहान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जब इस एड की स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ी थी तो वो उन्हें बहुत ज्यादा फनी लगी थी। उन्होंने आगे ये भी बताया कि जॉनी सिंह नहीं उन्हें लगा था बल्कि वो जॉन सीना के साथ ये एड करने वाली है, इस एड में काम करने वाली है, पर बाद में उन्हें पता चला कि जॉन सीना नहीं बल्कि पॉर्न स्टार जॉनी सिंह उनके हस्बैंड बनने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जॉनी सिंह के साथ कई सारे BTS फोटोज भी शेयर किए और खुद ही बताया उस पोस्ट पर कि उन्हें DMs में लोग ये जरूर पूछ रहे हैं कि जॉनी सिंह कैसे थे, उन्होंने किस तरह की फोटोज क्लिक कराई, वो सब कुछ उनसे पूछा जा रहा है लगातार DMs में। खैर, ये वीडियो इस टाइम काफी ज्यादा वायरल है, हर जगह इसी को लेकर बातें हो रही है, इस पर काफी हिलेरियस तरह के रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी जरूर बताना कि क्या आपने कभी न्यू वाइल्डेस्ट ड्रीम सोचा था जॉनी सिंह और रणवीर सिंह का क्रॉसओवर इस तरह से हो सकता है या नहीं। बाकी मैं तो नाक्षी काला जल्दी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इसको लाइक करना, सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।